ओके स्टूडेंट्स, आपने अभी कंपैरिजन ऑफ न्यूमरल्स देख लिया। अब उसका सेकेंड पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ नंबर नेम्स। तो कैसे नंबर नेम्स का हम कंपेयर करेंगे? तो मैंने ये नंबर लिया है 5152 53632, ठीक है। तो इसको हम इंडियन सिस्टम में इसका न्यूमरेशन लिखेंगे। तो पहला काम हमें क्या होता है, इसके सेपरेशन, ग्रुप्स में सेपरेशन करना। तो इंडियन सिस्टम में पहला ग्रुप वंस का था। वंस में थ्री पार्ट्स है, वंस टेंस हंड्रेड। तो पहले हम ये करेंगे थ्री पार्ट्स पहले, ठीक है। उसके बाद में दो ग्रुप के हैं, थाउजेंड का, उसमें दो पार्ट्स थे, फिर लाख के टू पार्ट्स है और करोड़ के टू पार्ट्स, ठीक है। तो हमेशा मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप सेपरेशन राइट साइड से करोगे और इसको रीड लेफ्ट साइड से करोगे। तो ये आपका आ गया 51 करोड़ 52 लाख 53,632, ओके। तो इंडियन सिस्टम में इसका नाम आप लिखोगे 51 करोड़ 52 लाख 53,000, ओके। और लास्ट में बचा 632। ओके नाउ, अब वही नंबर हमने सेम नंबर लिया है और इसका न्यूमरेशन हम इंटरनेशनल सिस्टम के बेसिस पे करेंगे। तो पहले तो हम इसे सेपरेट करेंगे कॉमा से। तो आपको याद है उसमें थ्री ग्रुप्स थे, पहला वंस ग्रुप, उसमें थ्री पार्ट्स थे तो 1 2 3 कॉमा, सेकेंड ग्रुप में थ्री पार्ट्स थे 1 2 3 फिर कॉमा, और थर्ड ग्रुप में थ्री पार्ट्स थे, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग हम इधर से करेंगे लेफ्ट साइड से। तो पहला ग्रुप कौन सा था, पहला था मिलियंस का, तो 515 मिलियन, ओके। इस लिखेंगे 515 मिलियन, ओके। फिर सेकेंड ग्रुप है थाउजेंड्स का, तो ये हो गया 253,000 253,000, और लास्ट है वंस ग्रुप जिसमें होगा 632। आई होप अब आपको ये न्यूमरेशन जो पूरा कंपैरिजन है वो समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, ओके ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एक्सरसाइज। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है द न्यूमरल फॉर 83,328,632 इज, मतलब जो नंबर होगा इस वर्ड के लिए क्या होगा। तो पहला है 83 मिलियन, तो आपको पहले ये बनाना ना 83 मिलियन। तो इसका हम बनाते हैं वर्ड 83, पहला ग्रुप है मिलियन का 83 मिलियन, फिर 328, दूसरे ग्रुप में है 328, फिर 328,000, फिर 632, तो ये कौन सा नंबर है, दिस वन, ओके ओके। तो 8332 8632, तो ये आपका सेकेंड वाला आंसर सही है। अब आपको समझ में आया, आपको रीड करके वर्ड्स इसके नंबर्स काउंट करके इसका आंसर टिक करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूमरल फॉर 902,105,063 इज, तो क्या 902 मिलियन, तो 902 ये हो गया 902। चलिए हम नंबर फॉर्म करते, पहले 902 मिलियन एक ग्रुप हो गया, 105,000 तो दूसरे में है 105, फिर 63 इज, तो 63 लास्ट का बोल रहे हैं ना, लेकिन उसमें थ्री ग्रुप्स होते हैं तो उसके पहले हम जीरो लगा देंगे, ओके ठीक। तो ये हो गया आपका कौन सा आंसर है, 902105063 ये नंबर। सो योर आंसर इज दिस वन।
अब आपको समझ में आया, क्लियर हुआ कैसे हमें एक्सरसाइज करनी है? नाउ दिस इज योर थर्ड एग्जाम्पल, द न्यूमरल फॉर 11,33,51,762 इज। तो आपको इसे रीड करना है, इलेबोरेट करके निकालना है और फिर इसका नंबर सॉल्व करना है। दिस इज फॉर योर एक्सरसाइज, ये आप खुद करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के लिए आपको नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये लिखा हुआ है 608 million 2060 608 million 608। पहले आप चाहो तो इसे पार्ट्स करते हो, 608 million ये हो गया, दूसरा है 2060। तो आपको इसको करना है 608 million। ओके, नाउ देखिए आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, राइट द न्यूमरल फॉर ईच द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको इन न्यूमरल्स के लिए नंबर्स को लिखना है, ठीक है? तो पहली चीज देखिए यहाँ पर 608 million 2060, ठीक है? तो आपको एक चीज, आप इनको पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 608 million ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर 2060, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है और इसके आगे कुछ नहीं दिया। तो पहले ये मिलियंस वाला है, इंटरनेशनल सिस्टम वाली नेमिंग है। तो पहले हम इसका चार्ट देखते हैं। देखिए मिलियंस थाउजेंड्स वंस थ्री ग्रुप थे, ठीक है? तो देखिए पहला है 608 million 608 million। तो ये मिलियन की बात कर रहे हैं, 608 कैसे लिखेंगे हम लोग मिलियन में, 608 ये मिलियन में हो गया। उसके बाद में 2060, थाउजेंड की बात हुई, 2000, थाउजेंड में सिर्फ 2000 है, ठीक है? तो इसका मतलब ये टू आपका यहाँ पर आएगा, 2060 वंस में, लास्ट में 60 आएगा। ओके, तो ये आपकी नंबरिंग इस तरह से होगी। बाकी जो जगह बची वो 000, ठीक है? इसीलिए आपका नंबर बनेगा 608002060। ओके, ये इसकी नेम। यही चीज़ आपको ध्यान देना है, कई जगह के नाम नहीं दिए होंगे, उन जगहों पर आपको जीरो लगाना है। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 68,341। 68 million पहला ये हो गया, 68 million 341। सेकेंड इज 341। देखिए पहला है 68 million बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 68 सीधे आएगा ये। ओके, ये प्लेस खाली हो जाएगी, 68 million हो गया। देन 341 थाउजेंड्स का नाम ही नहीं है कहीं पर, तो ये आ जाएगा 341। तो जो थाउजेंड्स की जगह है वहां पर आप जीरोस पुट करेंगे। ओके, तो आपका ये नंबर हो गया 6800341। एक चीज और ध्यान रखना, आप कॉमा जरूर पुट कर देना। ओके, ठीक है, थ्री नंबर से पहले कॉमा और यहाँ पर कॉमा, ये आपका प्रॉपर नंबरिंग हो गया। देन लास्ट वन इज 70,80,492। तो अब आप इसमें देखिए क्या, पहले हम इसको अलग अलग करेंगे, डिवाइड करेंगे, 70,80,492, ठीक है? तो 70 करोड़ मतलब करोड़ ग्रुप में हम करेंगे तो 70 करोड़, ठीक है? उसके बाद में आया 80,000, बट नेक्स्ट ग्रुप तो लाख ग्रुप्स होता है, उसमें कुछ आया ही नहीं, सीधे 80,000 आ गया। तो आपको थाउजेंड्स 80,000 करना है। ओके, ठीक है, और वंस में दिया हुआ है 492। तो 492 वंस ग्रुप में थ्री पार्ट्स होते हैं ना, तो 492। लैक्स में कुछ नहीं आया तो यहाँ पर जीरो, ठीक है? समझ में आ गया, जो जैसे ग्रुपिंग करनी है। तो फिर आपके नंबर्स हो जाएंगे 70,00,80,492। और ध्यान रखना है कॉमास जरूर लगाना है। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2,07,15,078। तो पहले हम 2 करोड़ का अलग करेंगे, 2,07,15,000 और 78, ठीक है? आप देखें इसको हम कैसे डालेंगे, 2 करोड़ मतलब यहाँ से शुरू होगा। ओके, आगे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमें यहाँ से 2,07,00,000 यहाँ से आएगा। अगर हम यहाँ से कर देते तो 70 लाख हो जाता। ओके, तो ये हो गया 7 लाख। फिर 15,000 ये हो गया 78, तो लास्ट में 78 लिखोगे। ओके, अगर यहां से लिखते तो 780 होता, इसलिए हम यहां पर जीरो डालेंगे। ओके, तो ये नंबर 78 आएगा। देखिए 2,07,15,078, बाकी जो जगह है वहां पर हम जीरोस पुट कर देंगे। ओके, समझ में आया? तो आपके नंबर्स हो जाएंगे,
2 0 7 1 5 0 7 8 और कॉमास हमें 3 नंबर्स पहले यहाँ कॉमा, फिर दो दो पार्ट्स वाला ग्रुप है इंडियन सिस्टम। ये इंडियन सिस्टम था, जो पहले दो एग्जांपल देखे वो इंटरनेशनल सिस्टम था। ओके, नाउ इट्स क्लियर।